दोस्तों मैं लाइव आपको F&O एक्टिवेट करके बताऊंगा एंजल वन ऐप में, क्योंकि यहाँ पर मैं लाइव अपना डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा और लाइव ही आपको एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। तो देखिए, अगर आपको F&O एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले तो आप जो है कोई सा भी एक कहीं पर भी मतलब इंडेक्स में आ जाइए, इंडेक्स में ऑप्शन चेन पर आ जाइए, वहाँ पर कुछ भी बाय सेल का मतलब एक पोजिशन लीजिए, वो आप ले नहीं पाएंगे, वो बात अलग है, पर उस पर क्लिक करोगे तो एक्टिवेट सेगमेंट का ऑप्शन आ जाएगा जो कि F&O वाला ही है। देखिए इसमें करना क्या है, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, तो आपको बैंक निफ्टी पे क्लिक करना है। बैंक निफ्टी के बाद आपको यहाँ पे जो देखो नीचे ऑप्शन मिलता है ऑप्शन चेन का, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करना है ये वाली रेंज पर, ठीक है, जो प्राइस दिख रहा है ना, तो इस पर क्लिक करना है। बाय बटन पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। उसके बाद F&O मतलब एक्टिवेट सेगमेंट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी और कमोडिटी, तो हम यहां से सिर्फ एक ही एक्टिवेट करेंगे क्योंकि हम उसी को यूज़ करते हैं, मतलब कि हम F&O ही करते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहां पर देखो एक बटन मिल जाएगा, इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू एक्टिवेट पर क्लिक करना है, वो टर्म्स एंड कंडीशन का बटन था, ठीक है। अब यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर ऐड करना है जो कि आपका मतलब बैंक से के साथ लिंक है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोसीड बटन पे नीचे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो हम यहाँ से OTP डाल देते हैं। यहाँ से हमने जो अपना OTP डाल दिया है, ठीक है, उसके बाद आपको 1-2 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए वेट करना पड़े। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है, यहाँ पे हमारा जो कि मतलब बैंक है उसको वेरीफाई तो मतलब इन्होंने कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है, आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। लिंक है प्रोवाइड कॉन्सेंट, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद जो है आपको फिर से इसी पर क्लिक कर देना है। अब ये क्या दिक्कत आ गई है इसमें, डिस्कवर्ड अकाउंट सिलेक्ट द बिलो अकाउंट टू लिंक योर फाइनेंशियल अकाउंट्स, हाँ, तो उस पर जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास फिर एक बार OTP चला जाता है, तो वो OTP आपको यहाँ पर फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए चीज़ें ब्लर रहेंगी, ओके। तो यहाँ से हम अपना OTP जो है मतलब डाल देते हैं। OTP डालने के बाद ये वैलिडिटिंग करेगा आपके OTP की, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं तो फिर आपसे जो है वो एक्टिवेट तो होने से रहा F&O, ठीक है। उसके बाद आपको वेट करना है। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट्स मांगता है नहीं मांगता है, अभी हम चेक कर लेते हैं। बाकी के ग्रो वगैरह में तो फिलहाल मांगता है। अब इसमें हमको एक वन टाइम जो है पासवर्ड यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि वन टाइम पासवर्ड OTP यहाँ पे देना पड़ेगा, पासवर्ड नहीं बनाना है। ये भाई बहुत बार OTP ले रहे हैं सच में। तो हमने अपना OTP डाल के इसको ऑथोराइज़ कर देना है, ओके। दोस्तों तो इसने हमसे कुछ भी नहीं मांगा है, ये हमारे बैंक से ही वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इन्होंने, क्योंकि हमारा बैंक स्टेटमेंट ही वो कर लिया है। अब देखते हैं बैंक स्टेटमेंट अगर आपका सक्सेसफुली हो जाता है तो ठीक, अगर बैंक से नहीं होता है तो ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उस केस में आप अपना ITR का फाइल का जो रिसिप्ट होता है वो दे सकते हैं, और आपका बैंक जो है मतलब बैंक का मतलब आपके बैंक के ट्रांजेक्शन थोड़े बहुत होने चाहिए, और बैंक अकाउंट 3 महीने तो पुराना होना ही चाहिए। अगर रिजेक्ट करते हैं तो दिक्कत की बात नहीं होता, इनको आप मेल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और नीचे कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपका रिजेक्ट कर रहे हैं और आपने कितने दिन पुराना बैंक अकाउंट दिया है और कितना ट्रांजैक्शन उसमें हुआ है, ताकि कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा तो हो जाता है, देखते हैं, हम 2 दिन तक का वेट करेंगे, उसके बाद हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि आपको चैनल पर पता चल जाएगा वीडियो बनाते हुए। तो इस प्रकार से आप अपना एंजल वन में F&O एक्टिवेट कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो 2 घंटे बाद ही मुझे 19 अक्टूबर को ईमेल आ चुका था, ठीक है, मैंने 19 अक्टूबर को ये एक्टिवेट किया था, तो वीडियो थोड़ा लेट आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा जो है 2 घंटे में ही सिर्फ एक्टिवेट हो गया। इस प्रकार से अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका भी एक्टिवेट हो जाएगा।